श्री कृष्ण कहते हैं कि जिज्ञासु मर्यादा पालन करने वाला और जीवन के सार को समझने वाला। वहाँ क्या कर रहा है? भगवत गीता सुन रहा हूँ पापा। भगवत गीता? उसमें क्या है मुझे नहीं समझ में आता, तू क्या समझेगा? कृष्ण भगवान ने जो कहा मैं समझता हूँ पापा। जिज्ञासु को ही उत्तर। सुनिए, आकर नाश्ता कर लीजिए। हाँ आता हूँ। तू भी नीचे आकर नाश्ता कर ले, चल। भगवत गीता सुनने से भूख नहीं लगी पापा। ये पागल हो गया है, पूरा पागल हो गया है। बच्चों को क्रिकेट का पागलपन होता है, टीवी का पागलपन होता है, और इसे कृष्ण का पागलपन कैसे चढ़ गया है? तू पहले नीचे आ। यदि आप जिज्ञासु नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोलो मोर पंखधारी मुरली बजैया भरतरी गोविंदा की जय। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। कृष्ण की महिमा अपरंपार है, कृष्ण उदार है, कृष्ण प्रेम है। कृष्णा यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्तानन्दमधर्मस्य सम्भवामि युगे युगे। तुम ठीक तो हो ना? देखकर चलना चाहिए ना बेटा। तुम्हारा घर कहाँ है? वहाँ। ध्यान से जाओ। माँ, माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, कृष्ण भगवान मेरे लिए पुलिस के भेष में आए। मैं भी उन्हीं की तरह पुलिस बनूंगा माँ। इसका एक पागलपन अभी कम नहीं हुआ कि दूसरा पागलपन शुरू हो गया? ओहो, आप चुप हो जाइए ना मेरा बच्चा। डीएसपी। ये हर बर्थडे पर एक प्रमोशन मिल रहा है मेरे बच्चे को। हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनिए, वहाँ देखिए ना, ऐसा लग रहा है वृंदावन में कृष्ण पुलिस यूनिफॉर्म में गोपियों के साथ खेल रहा है। इसका नाम राधा कृष्ण क्या रख दिया? खुद को कृष्ण भगवान समझने लगा है। नागेश गैंग के लोग पुलिस को मारकर फरार हो गए। हे भगवान, अगर उसने समाचार सुन लिया ना तो उसके गुस्से को कोई नहीं रोक सकता, छुपाना पड़ेगा। बहुत देर कर दी पापा, उसने कल रात को ही टीवी पर न्यूज सुनी और वो घर से चला गया। पुलिस को कोई कुछ कह दे तब तो उसे गुस्सा आ जाता है, यहाँ तो पुलिस वाले को मारकर भाग गया है। गए, अब तो गए। अंधेरा होने से पहले चेन्नई, वहां से श्रीलंका, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तुझे हमसे क्या काम है? यदा यदा ही धर्मस्य। समझ में नहीं आया? दुष्टों को सजा और लोगों की रक्षा करने के लिए ही उस समय श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, अब पुलिस ने जन्म लिया है, तो ऐसे में पुलिस वाले को मारना गलत बात है ना? इसका मतलब तुम पुलिस हो? क्या कहा? तुम पुलिस हो क्या? एक और बार बोलना। तुम पुलिस हो क्या? काफी है, बचपन में सब यही बोलते थे कि तू पुलिस वाला बनेगा, लेकिन तुमने मुझे पुलिस कह के बुलाया। क्या मैं पुलिस की तरह दिखता हूँ? मतलब तू पुलिस नहीं है क्या? हाँ, वो पुलिस है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे डायलॉग मेरे सामने नहीं बोलेगा। चलो जाके गाड़ी में बैठ जाओ, चलो जल्दी लेके जाओ इसे, जाओ। इन बदमाशों को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया भाई? कभी कभी दिमाग चलाता रहता हूँ। वो ठीक है, हमारे डीजीपी एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, सच में? हाँ। चाचा, ये स्टार्स बड़े अच्छे हैं, क्या मैं दो ले सकता हूँ? पागल हो गए हो क्या? पहले चलो मेरे साथ, चलो, चलो चाचा। डिपार्टमेंट की हेल्प करने के लिए थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। वैसे तुम करते क्या? मैं कब पुलिस वाला बनूंगा उसी का इंतजार कर रहा हूँ सर। मैं समझा नहीं। आपने नोटिफिकेशन अगले साल देने का फैसला किया है सर, जरा उसे जल्दी ही दे दीजिए ना। मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा। पुलिस के लिए तुम्हारा पैशन मुझे पसंद आया, अगर तुम्हें जॉब दे दूं तो ड्यूटी सिंसियरली करोगे? सर, देकर तो देखिए ना, सारे क्रिमिनल्स की बाट लगा दूंगा।
सोने को कभी जंग नहीं लगता सर, अपनी वर्दी भी सोना ही है ना। स्पेशल कंसिडरेशन के तौर पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। वैसे मेरी पोस्ट कमिश्नर की होगी या असिस्टेंट कमिश्नर की? तो हम क्या करेंगे? ओ, कम से कम एक डीजीपी या एसपी। तो वो क्या करेंगे? तो एक सीआई की पोस्ट है। तो मैं सिर्फ एसआई की पोस्ट मिलेगी, मंजूर है या नहीं? सर आपने पुलिस का जॉब दिया है, यही काफी है सर। आपके रिटायरमेंट से पहले मैं डीजीपी तो बनी जाऊंगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। Like this. शैम्पू रख दिया? रख दिया। कंडीशनर रख दिया? रख दिया बेटा। और बॉडी स्प्रे? भूल गई, अभी लाती हूँ बेटा। क्या हुआ, कान में कैप्स लगाया है, सर में दर्द है? हाँ जीजू, मैटर क्या है? ज्योति फिर से रूठ गई। उसका वो जन्मसिद्ध अधिकार है। जीजू आपको एक बात बताता हूँ, लड़कियां शादी होने तक खिलौने के साथ खेलती है, लेकिन बाद में पति के साथ ही खेलती है। सही है साले साहब। है वैसे भी पुलिस के घर में क्या पंचायत है? एफआईआर फाइल कर दूंगा, आप कहो तो कर दूं जीजू। हेलो सर, आप अभी तक पुलिस बने नहीं, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ये लो ऑफर लेटर। वक्त हो गया है, अब निकलो। तेरे लिए दुआ करके भगवान कृष्ण के चरणों में रख कर लेकर आए हैं तेरे पापा। पापा मेरे लिए पूजा? ठीक है, अपनी सेंटीमेंट अपनी जगह रहने दो। काफी है, इतना काफी है। सुजाता। नमस्ते। कैसे हो? ठीक हूं। मेरी पार्टी में आ जाओ, सीएम बनने के बाद तुम्हें होम मिनिस्टर बना दूंगा। मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए सर, मिनिस्ट्री ही काफी है। नमस्कार। नमस्कार। सर सडनली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कोई खास बात है क्या? अगर नहीं होती तो आपको क्यों बुलाते? सर क्या अगले इलेक्शन में भी आप ही सीएम के उम्मीदवार होंगे? देखो बेटा, तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग इंसान हो तो क्या तुम उससे अपना काम करवाना पसंद करोगी? नहीं सर। इस उम्र में मुझसे अब काम नहीं होता, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बात यह है कि इस टर्म के बाद मैं राजनीति से रिटायरमेंट ले रहा हूं। आने वाले इलेक्शन में हाई कमान ने मुझे ही सीएम कैंडिडेट को रिकमेंड करने के लिए कहा है। मैं इस राज्य का सीएम हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं और करूंगा भी। जल्द ही वो नाम डिक्लेयर कर दूंगा। चलता हूं बेटा, जय हिंद। नमस्कार। सुजाता सर, मेरे अलावा अगर किसी और को सीएम कैंडिडेट के लिए चुना तो खत्म कर दूंगा उसे, बोल देना उसको। ये ऑफिसर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारी तो बैंड बजा रहा है। खामोश, तुम्हारे पास बातों के सिवाय कोई काम नहीं है, क्विक। क्या कर रहा है बेटा? पुशअप कर रहा हूं सर। अब ठीक से कर। हां सर। कौन है बे तू? मैं कौन हूं? पिछले साल रेस में फर्स्ट कौन आया था? कौन? मैं आया था। इतना ही नहीं, हाई जंप में फर्स्ट, लॉन्ग जंप में फर्स्ट, रिटन एग्जाम में भी फर्स्ट आया था सर। तो सब में फर्स्ट आकर ट्रेनिंग के लिए क्यों लेट हो गया बेटी? सॉरी सर, इतनी कम उम्र में इतने बड़े ऑफिसर बन गए, आई कांट बिलीव इट, यू नो। थैंक्स ब्रो। ब्रो परेड सावधान। आचार्य देव मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन कौन हो तुम? ट्रेनिंग के लिए आया हुआ एसआई हूँ सर। ट्रेनिंग लेने वाला वहाँ रहता है, देने वाला यहाँ रहता है। मैंने कब की ट्रेनिंग फिनिश कर ली है सर? कहाँ पे की ट्रेनिंग? हमारे गांव के ग्राउंड में। क्या कह रहे हो? एकेडमी का सारा सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ लिया है सर, आपको मदद चाहिए तो कहिए, उल्टा इन्हें ट्रेनिंग भी दे दूंगा। बकवास बंद कर, जाकर खड़ा हो जा। ठीक है सर। हाय ब्रो।
ये रंग रूट कैसे आया? अपॉइंटेड बाई डीजीपी सर, लोग पुलिस बनकर क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, ये क्रिमिनल्स को पकड़कर पुलिस बन गया सर। ओ, अच्छा है ना? मस्त है। वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। सावधान, सुबह 5 बजे जागना पड़ेगा। 4 बजे ही जाग जाएंगे सर। 5:30 बजे ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 10 चक्कर लगा लेंगे सर। कंट्रोल कीजिए सर, खुद पे कंट्रोल कीजिए। अगला टास्क सर। टास्क पूछ रहा है, सुनो कैडेट्स, परेड मार्च पास्ट। चल बे। रिटायर होने से पहले ये नमूना कैसे मिल गया? अबे तू बचपन से ऐसे ही है क्या? करके अपना काम कर। वही तो 79, 85 सर, ये चीटिंग कर रहा है सर। तू फिर से शुरू कर। ये गेम मुझे पसंद नहीं आया। क्या ही है, जा रहा हूँ मैं। हाय ब्रो। अरे 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 अरे, क्या ये सब है, सुन तो। 5 राउंड हो गए डैडी। यहाँ तेरा डैडी कौन है? मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कोई पसंद आता है तो मैं रिलेशन बना लेता हूँ। वैसे अगला टास्क क्या है डैडी? जाकर 10 राउंड मार करा। ओके ब्रो, वॉकिंग पर चले। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चला। ओके, पहले बता देना तू खाता क्या है। अप अप अप, हे कम ऑन मैन, अप। द्रोणाचार्य, सारे चढ़ लिया, नेक्स्ट क्या है? मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरी हेड देखिए और उसकी हेड देखिए, थोड़ा नीचे करवाइए ना सर। जैसे हैं वैसे ही चढ़ने पड़ेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। सुनिए, ये गेम मुझे पसंद नहीं आया। गेम? अरे इसे गेम लग रहा है? ओहो, ये नमूने मुझे कहाँ से मिल गए? एनकाउंटर। तू यहाँ क्या कर रहा है? सर, एंटायर एकेडमी में यही सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है सर। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? टेररिस्ट घुसा है क्या? ये गोलियों की आवाज कहाँ से आ रही है? गोलियों का स्टॉक आज ही आया है, लेकिन वो सारी गोलियों को दिवाली में पटाखे की तरह आज ही उड़ा रहा है सर। ही इज वेरी बैड स्टूडेंट, उसे अभी बाहर का रास्ता दिखाइए सर। अगर सारी गोलियां खत्म हो गई तो फिर ट्रेनिंग कैसे होगी? कोई फायदा नहीं है, इसे वेपन से दूर रखना होगा। अब ओनली फिजिकल ट्रेनिंग इसके लिए। ये काम कर तूने चादर क्यों ओढ़ रखी है? निकल यहाँ से, निकल। ठीक है सर, जाता हूँ। ए, ए देखा ना? अबे कोरे कागज से क्या कॉपी करेगा? ले, लिख ले, ले। परेड सावधान, स्वैप। मैं सैनिक भारतीय संविधान का पालन करने की शपथ लेता हूँ। भारतीय संविधान का पालन करने की शपथ लेता हूँ। अपने देश की रक्षा करूंगा, अपने देश की रक्षा करूंगा। आचार्य देव, तुम्हें विजयनगर में पोस्टिंग मिली है? विजयनगर? बरहानपुर पुलिस स्टेशन। बरहानपुर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैडी, गॉड ब्लेस। चलता हूँ। मुझे कहाँ पोस्ट किया? नाला सफारा। पार्क में? नहीं, फॉरेस्ट में। मैं नहीं जाऊंगा सर फॉरेस्ट में। तो फिर खाद खुजा, बत्ती बुझा, जा सो जा। आप ये सही नहीं कर रहे हैं सर। सालों पुराने स्कैम को बाहर लाकर उस होम मिनिस्टर से जो बदला लेने की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है सर। क्या हुआ, तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो है? ताकि वो सीएम बने और तुम होम मिनिस्टर? अरे नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए सर। 4 महीने बाद इलेक्शन होने ही वाले हैं, अब पार्टी के भविष्य के सामने आपके झगड़े कोई मायने नहीं रखते सर। बोल दिया ना, पुराने पार्टी वर्कर हो इसलिए तुमसे इतनी देर तक बात की है मैंने। चलो अब जाओ। जैसा आपको ठीक लगे सर। ठीक है, ठीक है। बरहानपुर आ गया, बरहानपुर। बरहानपुर किट्टू, आज ही पहली बार ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। सारे क्रिमिनल्स को पकड़वा कर मुझे जल्द ही कमिश्नर बना दो। आप बना दोगे ना? मुझे पता है, आई नो। नमस्कार सर। कौन हैं आप लोग? अगर आप सर हैं तो हम कांस्टेबल्स हैं। कांस्टेबल?
यूनिफॉर्म कहाँ है? यूनिफॉर्म को तो अच्छे से धोकर आयरन करके समेट कर अलमारी में रख दी। लाठी लेकर आ। अच्छा है, अब देखने लायक लग रहे हो। आपका नाम? पार्थ है सर। पार्थ मतलब अर्जुन। अर्जुन इतने दिन बाद मेरी लाइफ में आए हो। मैं? तुम्हारा नाम? नकुल सर। अपना नकुल? तो तुम युधिष्ठिर हो, तुम सहदेव हो। अरे वाह, अपनी फैमिली तो यहीं पर है। वैसे अपना मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर? पुलिस स्टेशन। क्या है ये? पुलिस स्टेशन है। वो क्या है ना सर कि लोग इसे बाजार, जिम, लाइब्रेरी और ऑल इन वन की तरह यूज कर रहे हैं ना। सर एक मिनट, चल चल चल, समय कर, चल रे, ए अटल रे, चलो जाओ, बाबूजी उठिए, क्या बैठे, चलिए चलिए, चलो चलिए साफ करो। हमारे ना आने से भूत बंगले से भी बदतर बन गया है। स्टेशन का फर्नीचर कहाँ है? दीमक खा गए सर। FIR की बुक्स कहाँ है? खरीद कर ले आता हूँ सर। खरीद कर लाओगे? वो क्या है ना कि सर यहाँ ज्यादा काम नहीं है। देश में ये एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है। यहाँ गुंडे या झगड़े नहीं होते। जीरो क्राइम रेट सर। जीरो क्राइम? क्राइम रेट? गांव का नाम सुनकर ही मुझे खून की नदी याद आ गई। रहने दीजिए सर, यहाँ तो लोग दिवाली पे भी बम नहीं चलाते। हाँ सच कह रहा हूँ। क्रिमिनल्स को ऐसे मिटा दूंगा सर। क्या हुआ कृष्णा, ड्यूटी अच्छी तरह ज्वाइन कर ली? खाक ड्यूटी यहाँ करने के लिए है ही क्या? क्राइम रेट जीरो है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता आप क्या करोगे। मुझे अभी कोई टास्क चाहिए। जहाँ क्राइम रेट ज्यादा है मुझे वहाँ भेज दीजिए, नहीं तो बॉर्डर पर भेज दीजिए। पर वहाँ मिलिट्री है कृष्णा। तो मैं वापस ट्रेनिंग के लिए आ जाऊंगा सर। ये रूल्स के खिलाफ है। ये मेरे भी खिलाफ है। मुझे सोचने का वक्त दो। बेचारे हंसते खेलते इंसान को लाकर रेगिस्तान में पटक दिया। कहाँ से आया होगा ये, क्या होगा इसका? चलो बेटा। प्रभु, मेरा क्या सपना था और आपने क्या कर दिया? मैंने क्या मांगा था? मैंने कहा था कि मैं काम करूंगा प्रभु, लेकिन आपने बेकार के गांव में लाकर फेंक दिया। आपका क्या? आप तो मजे में हैं, गोपियां हैं, रोमांस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा क्या होगा? बताइए क्या होगा? अरे प्रभु रुको, प्रभु सर, सर, अरे रुको, सर, अरे सर, अरे रुको, सर, इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए हो। आप जो भी करते हो उसमें कारण होता है प्रभु। I know। अगर काम नहीं है तो दुखी मत होइए सर, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए ना। किसने कहा काम नहीं है? रैबिट बहुत सुंदर है ना। कौन सा, छोटा या बड़ा? मैं अपनी सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन करने वाला हूँ, लेकिन राधा ही नहीं है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? अरे 25वां साल आ गया, शादी करनी होगी ना। ओह तो अब से आप ये काम करने वाले हैं? Exactly। रैबिट, नाम क्या है? क्यों बताऊं तुम्हें? गांव के लोगों के बारे में जानना एसआई के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए। राधा। राधा, तुम मुझ में आधी हो। आपके घर में कितने लोग हैं? मैं, माँ, पापा और कजिन। सेफ हो? तुम करती क्या हो? इन सब से आपको क्या? वही, अगर आपको कोई मुसीबत से बचाना पड़े तो आपकी डिटेल्स जानने पड़ेंगे ना। अच्छा, कवर कर रहे हो सर।
शहर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही हूँ। कौन सा कोर्स? बीटेक। अब ओहो, टक्कर की है वो लड़की। आ गए सर, किसी से नहीं पटती। मतलब अभी तक किसी से पटी नहीं, और भी सेफ है। ठीक है पिताजी। अर्जुन सर, यू टर्न ले लो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? पेट्रोलिंग। बस कीजिए सर, इस गांव में क्या पेट्रोलिंग, पेट्रोल बर्बाद होगा। अर्जुन सर, हम नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा इस गांव को? शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए सर। पेट्रोलिंग का मतलब है सारी गलियों में घूमना। सारी गलियों को मेंटेन करना मुश्किल होगा। हमारे लिए ये एक गली काफी है। सर राधा चली गई, अब रथ पे सवार हो जाइए। हमें पुलिस के गेटअप में देखकर शायद राधा भयभीत हो गई। कोई योजना बनानी पड़ेगी। योजना? यस, गली में स्वच्छ भारत। सर लेकिन यहाँ कैसे स्वच्छ भारत, सारा गांव साफ है। धनुर्विद्या प्रारंगदा सर, कार्य प्रारंभ करो सर। इस नगर को हो क्या गया? आपके आने के बाद बंटाधार हो गया। एक तरफ मिट्टी, दूसरी तरफ धूप। राधा जी की गली कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? हाय राधा जी, आप भी आ गई। आइए इस योजना को हम दोनों मिलकर सफल बनाते हैं, क्या कहती हो? मुझे धूल से एलर्जी है। इनमें बहुत एनर्जी है। देख लीजिए खुद, इस गांव की मिट्टी भी इतनी साफ है, और क्या जरूरत है? अर्जुन, मिट्टी का मतलब पता है तुम्हें? क्या है? अनाज की तरह रहने वाले एल्यूमिनेट, सिलिकेट जैसे अजीब छोटे पदार्थ के बीच जीव पदार्थ सारे मिलकर, उनके साथ सूक्ष्म जीव, बहुवन जीव इस मिट्टी के भाग होते हैं। तुम्हारे हाथ में जो थोड़ी मिट्टी है ना, इसमें इस दुनिया की जनता से भी ज्यादा बैक्टीरिया है। पार आपका ये मिट्टी पुराण बहुत ही अच्छा था, अगर दोबारा आपसे मिट्टी की बात की तो आप मुझे लट से मारिएगा। हंसी यार, फनी है ना? हाँ बहुत। गिर गई जी, देखा मैंने। जाकर दे दूं क्या? नहीं, तू जाकर ले आ। ओहो, मतलब आप ही देंगे? आ, आ। इसे बेच दूं तो कई महीनों की तनख्वाह मिल जाएगी। सर बेचारी राधा ने गिरा दिया सर, जाइए ना, जाकर दे दीजिए, दे दीजिए। सर ये तो अन्याय है सर, एक पुलिस ऑफिसर के चोरी करते हैं। जब कृष्ण भगवान भी चोरी कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं यार। समझ गया सर, इस गांव में कोई चोर नहीं है इसलिए आप ही चोर बन गए हैं। लोक कल्याण के लिए ये सब करना पड़ता है। लोक कल्याण या खुद के कल्याण के लिए? सब जानकर भी पूछता है। तू वहाँ देख, कहाँ गिरा दी तूने? यही पर तो आई थी माँ, ध्यान से रख लेना। सर ढूंढ रही हूँ। हाँ चली गई। 2 तोला सोना है, सोने का दाम पता है तुम्हें? घर पर रखना चाहिए ना। दे दीजिए ना, कब से ढूंढ रहे हैं। एक तो चैन चुरा ली, ऊपर से शर्मा रहे हैं, दे दीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब। हाँ मामा जी। मैं कौन सा मामा हूँ, मेरी बेटी ने चैन गिरा दी, आपने कहीं देखी क्या? नहीं नहीं। ए, तूने देखी क्या? नहीं नहीं। नहीं देखी? नहीं देखी, देख क्या रही हो, ढूंढो। तू वहाँ देख। देखती हूँ। चाहो तो कंप्लेंट भी दे सकते हो, FIR बुक्स भी खरीदी है। कहा था ना कि ये लड़की आग है, कितना भी बुला लो ये सुनेगी नहीं। ए, लड़कियां ऐसी होती हैं, सुनकर भी अनसुना करना, देखकर भी अनदेखा करना उनकी आदत होती है, वो उनका ब्रह्मास्त्र है, तभी तो ना हम जैसे लड़के उन पर मरते हैं। लगता है आपने लड़कियों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। मैंने वही सब्जेक्ट तो पढ़ा है। कोई काम नहीं बोल के हमसे ये काम करवा रहे हो सर? ये काम हमें क्यों दिया है सर? बेकार ही खाली बैठने से अच्छा कोई काम ढूंढना चाहिए। है ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? क्यों रोका? चैन देने के लिए। वो तो उसी दिन गुम हो गई थी ना? मुझे तो तभी मिल गई थी, लेकिन गिरवी रख दी थी। गिरवी रख दी? हमारे अर्जुन के फिल्म की मुश्किलों की वजह से। कैसी मुश्किल? उसकी माँ अस्पताल में है, इसकी बहन घर में है, इसकी बीवी खुद के घर में है, इसलिए ये चेन गिरवी रखनी पड़ी। इस चेन को गिरवी रखकर आपने इनकी हेल्प की? हेल्प करने में बुराई नहीं है ना जी। चीनी, तुम्हारी चेन बहुत सुंदर है,
ध्यान रखना हा? हाँ, मेरी चेन मुझे नहीं गिरवी रखवानी। चलो दीदी। छी छी छी, नॉटी गर्ल। सर, इस कहानी में अब ये कौन सा नया ट्विस्ट दिया है? सब कुछ जानते हुए भी सवाल करते हो, नॉटी पार्थ। दीदी, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। छोड़ना, चेन तो लौटा दी ना। तो टेंशन मत ले। शायद वो नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, चाल चलिए। वो देखो आ गया। हेलो, तुझे पता है वो? हाँ? क्या हुआ? मुझे ढूंढ रही थी। ऐसे ही जा रही हो? आपकी चैन नहीं चाहिए? हाँ? उस दिन लौटाई थी ना तुमने? वो तो आर्टिफिशियल थी। अगर वो चैन दे देती तो। चीनी, तुम्हारी गली की चेन कहाँ है? तुम्हारे डर से मैंने घर पर ही चेन छुपाई। स्मार्ट गर्ल। सुनिए, वापस चेन मत गिरा दीजिएगा। ये बताने के लिए शुक्रिया। चल दीदी, आज तो पापा को बता ही देंगे। तो छोड़ना, चेन तो मिल गई ना। अरे वाह, बुढ़िया भी कमाल की है, किसी को कोई चांस नहीं देने वाली। ये जगह बहुत ही सुंदर है ना दीदी। कॉलेज जाने के बाद ये सब बहुत मिस करूंगी। लेकिन आपकी चैन को नहीं मिस करेंगी। हाँ? हाय चिनी, ये इस तरह भाग क्यों गई? एक ही चेन को आप कितनी बार देंगे मुझे? आखिर बात क्या है महापुरुष? एक्चुअली पहली वाली ओरिजिनल ही थी, लेकिन हमारे अर्जुन को पैसों की जरूरत थी तो आर्टिफिशियल देकर ये ओरिजिनल चेन ले ली। हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे हेल्प कहते हैं आप? मतलब आपका मुझसे इस तरह से बात करना मेरी हेल्प ही हुई ना जी। आपसे बात करने के लिए मैंने ऐसा किया, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत मत समझना। ठीक है, चैन देने के बाद बात करना बंद तो नहीं करेंगी ना? नहीं करूंगी, तुम मुझे पसंद आ गए हो। आचार्य देव। हाँ, तुम्हारे हिसाब से हाईएस्ट क्राइम रेट के स्टेशन में तुम्हारा ट्रांसफर करवाया है। सच में गुरुजी? थैंक यू सो मच गुरुजी। तो इसी वक्त निकल लो वहाँ से, मैं ही तुम्हें ट्रांसफर लेटर दिलवाऊंगा। लव यू गुरुजी, थैंक यू। तो आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी ही जीतेगी, ऐसा सर्वे कह रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी की तरफ से सीएम के उम्मीदवार के तौर पर मैं सुजाता का नाम प्रपोज कर रहा हूं। जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे हैं और इनकी एक क्लीन इमेज है। इनके अलावा दूसरे उम्मीदवार के तौर पर मैंने सूरी रेड्डी का नाम प्रपोज किया है। वाओ, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वाओ, क्या बात है। इतने दिनों से सिर्फ मैं सीएम कैंडिडेट था, अब सुजाता का नाम उस लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पर है। फर्स्ट प्लेस? क्यों रे, तू मुझसे कंपटीशन करेगा? भैया, मैं आपसे कंपटीशन कैसे कर सकता हूँ? मैं भी देखता हूँ तू सीएम कैसे बनता है, देख लूंगा मैं। और कितने दिन घुमाएगी तू अपने पीछे? रामचंद्र सर, जीप थोड़ा साइड से लेके आओ। ओके सर। क्यों बे, तेरे हाथ पैर काबू में नहीं है क्या? हाथ पकड़कर खींच रहा है, तेरा नाम बोल बे।
भागते भागते कैसे इंट्रोडक्शन दो सर? बता बे। कटाल सिंह सर। पिताजी का नाम? कटाल सूरी बाबू सर। सर मुझे अंदर मत कीजिए सर, सर प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर। मेरे इलाके में पता चला तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी सर। इतने सालों बाद मेरा सपना पूरा हुआ, जिंदगी में पहला एफआईआर लिख रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। आचार्य देव। कब आया आचार्य देव? मिस यू डैडी, मिस यू। मसाज हो गया, अभी बस करो ना। इसे इसे कहते हैं पुलिस स्टेशन। लॉकअप में कैदी, उनके लिए हथकड़ियां, लॉयर, पूरा स्टैंड गन के साथ चमक रहा है। यही यही सारे मटेरियल मुझे चाहिए थे डैडी। खुश हो ना, अब सब लोग खुशी से रिलैक्स हो जाओ। हो जाओ हो जाओ हो जाओ। ये धूलपुरी एरिया है, थोड़ा ध्यान से रहना। अरे फिक्र की जरूरत नहीं है, जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर आया है अपना कृष्णा, इस क्राइम सिटी को क्लीन सिटी में बदल देगा। हाँ। चलो आ जाओ, तुम अपना काम करो। तो मैं ये कह रहा था, हम चलकर प्रजा की रक्षा करते हैं। अर्जुन, इस नाम से यहाँ पर कोई नहीं है। मेरे बिना अर्जुन कितना तड़प रहा होगा। सर आपके जाने का बहुत दुख हो रहा है सर। सामान बांध कर आ जा। कहाँ पर सर? अरे मेरे बेवकूफ बाबू, तुझे हैदराबाद में ट्रांसफर करवाया है। सर ये तो अन्याय है। मुझे पता है यार, मेरे बिना तेरे साथ अन्याय ही होता होगा। हवा बदलने पर दिमाग बदलता है। चल अब जल्दी आ जा। ओरिजिनल कृष्ण ने भी अर्जुन का इतना फायदा नहीं उठाया होगा सर। जय श्री कृष्ण। उठा ले। रैबिट। अरे सुनो ना, अर्जेंटली ट्रांसफर ऑर्डर आ गया तो मुझे जाना पड़ा। नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम्स है, मुझे पढ़ना है। बाय। इतना कोई पढ़ता है क्या? गांव में हंसता खेलता इंसान था, उसे लाकर यहाँ डाल दिया। ना कोई नाच ना कोई गाना। सलाम वालेकुम। नमस्ते। नमस्कार। सलाम वालेकुम। इतना क्रोध उचित नहीं अर्जुन, क्या है ये? एफआईआर सर। क्या कहा, इतने सारे एफआईआर? गोडाउन में और भी पड़े हैं सर। गोडाउन में? तुझे श्लोक चाहिए या सारांश चाहिए? अर्थात श्लोक का मतलब सड़क पर मारना, सारांश का मतलब लॉकअप में मारना। तो सारांश ही बेटर है सर। वेरी गुड, लेकर चलो पार्थ। रुको रुको। नो मिल्क नो पेपर। शायद लोग गांव गए हैं। हेलो, मदद चाहिए? कोई रास्ता नहीं बचा, चलो आ जाओ। क्या कर रहे थे? सामान पैक करके भागने वाले थे सर। वो भी ओनर की परमिशन के बिना? ओनर बाहर गए हैं इसलिए उनको तकलीफ नहीं देना चाहता था। ओह, ओनर को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता इसलिए अपनी तशरीफ रख ली। अच्छा, अरे इनको पैक करके क्लीन कर दो जल्दी। अरे तुम्हें नहीं मारूंगा यार। सर मारने में विश्वास नहीं करते। तुम्हारे लिए श्लोक और सारांश नहीं, संदेश ही सही है। एक बढ़िया कटिंग चाय दे दो। ठीक है, दर्द से सर फटा जा रहा है। अरे पेपर में देखो क्या जगह खाली करे। ओए चाय नहीं देता क्या तुझे? ए, ये मेरी जगह है, उठ जा। तमीज से बात कर, पता है ना किससे बात कर रहा है तू? इज्जत चाहिए तुझे? तो जैसे पुलिस वाले का म्यूट बटन यही है, ले रख ले। क्यों बे, पुलिस वाले पर तू हाथ उठाएगा? रहीम भाई मारो। सर ये होम मिनिस्टर सूर्यदेव का आदमी है सर। तो फिर और जोर से मारो रहीम भाई।
Hey, chop! Respect. डिपार्टमेंट की रेस्पेक्ट, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, फिर तू चाहे किसी का भी आदमी हो। बीच सड़क पर तूने मुझे मारा। अरे बाप रे, इसको तो गुस्सा आ रहा है, सड़क पर मारा ना इसलिए। सेल में डाल कर मार इसको। चल, तू बहुत पछताएगा। लेके जाओ। बजने तुम लोग भी बजाते रहो। सुंदर लग रहा है सर। पुलिस स्टेशन में कैसे जन्माष्टमी सर? कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, यहाँ नहीं तो और कहाँ मनाएंगे? सर मेरी बेटी। ए गुड़िया, कैसी है? नहीं कोई मंदिर लग रहा भाई। सही बात है, इससे नहीं होगा, लेकिन आपके छोटे पैरों से निशान बनाते हैं, चलो। लेकिन सर ये लड़की, हर मंदिर में भगवान और हर घर में माँ एक ही होती है ना? सकते थे। क्यों? खाना बहुत ही अच्छा है सर। शुक्रिया। आप भी खाइए सर। सर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? राधा गांव से आई है सरप्राइज देने के लिए। सर ड्यूटी आवर्स में ऐसे काम करना गलत बात है ना? मैं समझ गया सर, आप ड्यूटी के साथ प्यार भी तो करते हैं ना? यस। कॉलेज में जाना है, राधा को मिलना है, चले चलो, चलो, चलो। मजे भी करना है, चले चलो, चलो। सर ऐसा लग रहा है कि आप किसी लवर से मिलने नहीं बल्कि किसी छोटे बच्चे के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। मेरी राधा भी छोटी बच्ची ही है, गांव में हिरन की तरह पिताजी, पिताजी की ओवर एक्टिंग और यहाँ पर लेडी गागा की तरह डांस। सच में तू तो किसी से कम नहीं है। वो मेरे पिताजी बहुत संस्कारी है ना। फिर से पिताजी? गांव में सभी रहना चाहिए इसीलिए वैसे रहते हैं। ओह नहीं तो नहीं रहेंगे। स्टेप तो सुपर था रैबिट। वैसे तुमसे बात क्यों करूं? तुम बिना बताया है ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, चलो यहां से। अब रैबिट, रैबिट साहब पीयूसी पेपर घर पे भूल गया। सर रॉन्ग रूट वालों के पास बे पॉल्यूशन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सर। हां सर, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कभी भी पर्यावरण के मोह से नहीं लेते, हम पकड़ ना ले इस डर से लेते हैं। राइट रूट में भी रॉन्ग पर्सन मिलेगा, जाकर ट्राई करो। छोड़ेंगे नहीं सर। यस। अरे पहले मुझे तो छोड़ दो। सर अभी वहां जाकर काम कर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, यूसी का है। रुकिए रुकिए, किनारे किनारे, गाड़ी किनारे। अरे सुनिए, रुको रुको। उसने रुकने के लिए कहा ना, पेपर्स दिखाओ। मेरे पास तो सिर्फ ये पेपर है सर। कल का नहीं है? हाँ। ए मजाक चल रहा है यहाँ, गाड़ी के पेपर दिखाओ। मैं एसआई को जानती हूँ। सर आप इस लड़की को जानते हो? हेलो चलो गाड़ी के पेपर्स दिखाओ, आरसी ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी, सारे पेपर दिखाओ जल्दी। सब कुछ लेकर आया हूँ सर, जल्दी करो। अरे तो देखो पेपर नहीं होगा तो गाड़ी जमा होगी, समझी? चलो सुनिए प्लीज। अरे इसको क्यों पकड़ लिया? सर सर वो लड़की, सर 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 जरा पीछे तो देखिए, सर आपका घर बर्बाद हो रहा है, जरा पीछे तो देख लीजिए। गाड़ी खरीद के लाई हो या उठा के लाई हो बताओ प्लीज। रहीम भाई उस लड़की को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा सर। तेरी तो इस एक गाड़ी को छोड़ दो रहीम भाई। कैसे छोड़ दो सर, पेपर्स मांगने पर न्यूज़पेपर दिखाती है। क्रिमिनल्स को पकड़ो, लवर्स को छोड़ दो रहीम भाई। रहीम भाई गया। रैबिट अरे सुनो तो सर, मैं मैडम से बात करूं क्या? बस बहुत बात कर ली, अपनी सिंसियरिटी से प्यार की वाट लगा दी, बट आई लाइक योर सिंसियरिटी, इसी तरह बरकरार रखो। ओके सर। तुमने गलत किया है रहीम,
ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रॉब्लम को आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा सर। ठीक है नेता जी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बस कीजिए सबको नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। पिछले 10 सालों से हर रविवार को मैं सारे कार्यकर्ताओं से मिलता आ रहा हूं, लेकिन आज इतने सारे लोग यहां आए हैं, क्या चाहिए? आपको सीएम बनना होगा, आपको सीएम बनना होगा। मैंने कभी सीएम के पद की आशा नहीं की, मैंने कभी किसी से मुकाबला भी नहीं किया। मैंने अपना राजनीतिक जीवन आपके साथ खड़े रहकर शुरू किया और आज आपके सामने खड़ा हूँ, फिर भी मैं रोज प्रजा की सेवा ही करता आ रहा हूँ। आज मुझे पार्टी जनता मुख्यमंत्री बनने को कह रही है, आपकी और सेवा करने का अवसर मिल रहा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? रुकिए, सब अक्सर मुझसे पूछते थे मर्द होकर भी तुम्हारा नाम सुजाता कैसे पड़ गया। ये मेरी पत्नी का नाम है, मैं सपने में भी कोई गलती ना करूं इसलिए ये नाम रखा है, क्योंकि अगर मैंने कोई गलती की तो फिर उसका नाम खराब होगा। तो ये है महिलाओं के प्रति मेरी श्रद्धा। तुझे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, गुस्सा नहीं आता? सर, जिंदगी में रिश्तेदार दोस्त आते जाते रहते हैं, लेकिन भाई जैसा नहीं। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं सर। ए! अरे उठना पार्थ, उठना यार। ए! सर, सर, सर। ए, रहीम, रहीम। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है सर, आज उसका ऑपरेशन है, ड्यूटी के लिए आया था सर। तुम्हें कुछ नहीं होगा रहीम। अगर मैं मर गया और मेरी पत्नी का कुछ हो गया तो मेरी बेटी को देखने वाला कोई नहीं है सर। तुम्हें कुछ नहीं होगा रहीम भाई, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। सर, मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी सर। ए, जल्दी लेकर आओ। वो अनाथ हो जाएगी ए, सर। कुछ नहीं होगा, जल्दी लाओ बेटी। मिनिस्टर सुजाता पे जानलेवा हमला हुआ, कुछ अनजान लोगों ने ये अपराध किया है। इस हमले के पीछे मुख्य रूप से पुलिस की असफलता है।
पुलिसकर्मी ड्यूटी के टाइम पर इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी से शराब पीकर अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। सीएम पद के लिए सुजाता जी का उम्मीदवार होना इस बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य कारण हो सकता है, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। सर, सुनने में आ रहा है इस ब्लास्ट के पीछे आपका हाथ है। सही जानकारी के बिना ऐसे आरोप मत लगाइए। सीएम की उम्मीदवारी से उन्हें बाहर निकालने के लिए आप ही ने ये प्लान बनाया, ऐसा लोग कह रहे हैं। इंक्वायरी कमीशन बिठा दी है, जब तक सच बाहर नहीं आता मैं अपने होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिल्कुल नहीं बैठूंगा। सुना आपने? सुना आपने? सॉरी, सुनिए सर, थैंक यू। मेरा बेटा तो शराब पीता ही नहीं है साहब। ड्यूटी पर मरने पर भी एक बार पी कर मरने का कलंक लगा है भैया। सुजाता जिंदाबाद। सीएम सुजाता जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं प्राण, और अपने उसी प्राण से मैंने ये खेल खेला। सुजाता पर बॉम्ब अटैक, ब्रेकिंग न्यूज, बूम बूम। सारा का सारा देश देखता रह गया। सारी प्लानिंग जब मैंने ही की थी तो मुझे क्या होता भला। भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ। पुलिस को वहां लेट से पहुंचने दिया। पी तो रहे थे वो कोल्ड ड्रिंक, पर ऐसा लगा कि वो दारू पी रहे हैं। मेरी हत्या करने के लिए ये सब कुछ होम मिनिस्टर ने किया था। पब्लिक में चिंगारी सुलगा दी। इस्तीफा देकर होम मिनिस्टर नीचे उतर गया और सीएम पद के लिए मैं ऊपर चढ़ गया। ये प्लान कमाल का रहा भाई। वो ब्लास्ट करने वाला सेफ है ना? चारों अंडरग्राउंड है और सेफ है भाई, यू डोंट वरी। ये कौन है वहां? एक्चुअली उसका और मेरा थोड़ा पर्सनल मामला है भाई। इसने मेरी पूरी बात सुन ली होगी। मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो इसे। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारना। आप क्या कह रहे हैं सर? मतलब मैंने जो कहा तुमने कुछ भी नहीं सुना? सर यहां रहना सेफ नहीं है सर, आप चले जाइए, मैं यहां पे सब देख लूंगा। रिपोर्टिंग सर। मेरी बेटी। सिचुएशन क्रिटिकल है सर, जब तक होश में ना आ जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते। उसने सुन लिया या नहीं सुना, उसने सुन लिया
या नहीं सुना? क्यों रे, कुछ पता चला वो इस वक्त कहाँ है? नहीं पता चला। मेरे आदमियों को मार दिया और सिंपली कह दिया सुनाई नहीं दिया। पता नहीं सर, ये तो कोई नई कॉन्सेप्ट लग रही है। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। मिनिस्टर के आदमी आपके लिए आए हैं सर। कहाँ है वो? तुमने उन्हें ऐसे शूट क्यों कर दिया? वो बंटी होम मिनिस्टर का आदमी था और वो आपको भी मार देता सर। वैसे मुझे बचाने के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया सर? वो ठीक है, कल वो कैप्स कुछ सुनाई तो नहीं दिया। ओ, वो सरदर्द हो तो मैं कैप्स लगाता हूँ, उन्हें लगाने के बाद मैं कुछ नहीं सुनता। क्या करूँ, आदत हो गई है। अभी है क्या हो? क्यों सर? कुछ सुनाई नहीं दिया सर। ए कॉफी दो इसे यार। ओके सर। वहां वेट करो, रिलैक्स हो जाओ, मैं आता हूं। यस सर। क्या करें नेताजी, इसका क्लोज कर दूं क्या? ए जैसा उसने कहा कि कुछ भी नहीं सुना है तो ठीक है, और अगर सुना हो और इस बीच में उसने किसी को मेरी बातें बताई हो तो जो इतनी मुश्किलों से मैंने अपना यह साम्राज्य बनाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। पर मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बारे में पूरी छानबीन करो, उसकी हर एक मूव को वॉच करो। वो कौन है और यहाँ कहाँ से आया है, उसके फ्रेंड्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो। अगर उसे मैटर पता है तो उसे मार देंगे, और नहीं पता है तो भी मार देंगे। सर रिलैक्स, तुम्हारी स्टोरी मुझे पसंद आई, मतलब तुम्हारा डेडिकेशन मुझे पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें अपना पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज अपॉइंट करता हूँ। सर आपको मैंने प्रोटेक्ट किया इसलिए प्रमोशन दे रहे हैं सर। यू आर ग्रेट सर। वैसे पुलिस स्टेशन में तो FIR केसेस होते हैं, यहाँ मुझे क्या काम करना होगा? बहुत काम है, तुम्हें यहीं रहना होगा मेरी आंखों के सामने, तभी तो मैं सेफ रह पाऊंगा। ओके सर, आप बिल्कुल मत डरिए, अब आप कंप्लीटली मेरे कंट्रोल में हैं। सिक्योरिटी को मैं टाइट कर देता हूँ, हो सके तो उन्हें ट्रेनिंग भी दे दूंगा। ऑन ड्यूटी सर। सल्यूट मत करो, मुझे डर लगता है। सर स्मॉल रिक्वेस्ट है, सिरदर्द कर रहा है, कम होने के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा सर। कैप्स लगा लो। हाँ लगा लो। ओके सर, थैंक यू सर। तेरी कहानियों पर यकीन कर लूं ऐसा बेवकूफ दिखता हूं मैं तुम्हें, तू तो गया। सर इसे तो बुलेट की आवाज भी सुनाई नहीं देती। सर वो एंट्री ले रहा है। नमस्ते सर। कौन हो तुम? सर मैं आपका वॉचमैन हूँ, मिनिस्टर सुजाता नहीं भेजा है। मिनिस्टर जी मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? मुझे बचाया, प्रमोशन दिया, द्वारपाल भी दिया है। द्वारपाल? तुम्हारा ये प्यार देखकर मुझे तनख्वाह लेने का भी मन नहीं कर रहा। थैंक्स। अरे पेपरमिंट की गोलियां। पेपरमिंट की गोली? वही सर, बच्चे मुंह में डाल के चूसते हैं वही। बचपन में पापा दिलाते थे, दो डिब्बे मेरे घर पे भेज दो, दो नहीं पूरे चार भेज दो, मंत्री जी को भी दूंगा। तो कल हम भी खा सकते हैं सर। सर वो किसी को कॉल कर रहा है। आवाज बढ़ाओ। रैबिट, कोई कोड वर्ड है, नोट करो, नोट करो। बोलो। गर्लफ्रेंड है, प्यार से बुलाता होगा।
तुमसे जरूरी बात करनी है। साथ में कोई है क्या? साइड में आ गई हूँ, बोलो। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, वो मेरे बारे में ही बताएगा, देखना। आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। एक अच्छी सी किस दे दो ना। किस दे दो? इस वक्त मैं कॉलेज में हूँ। मुझे पता है। तो पूछा क्यों? ऐसे ही तीर मारा था। फोन काट रही हूँ मैं। ए, रुको 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 रुको, तुमसे कुछ कहना है। मुझे प्रमोशन मिला है, और पता है कहाँ? मिनिस्टर सुजाता के पास। उसके पास तुम क्यों ज्वाइन हो रहे हो? क्यों? उसे देखकर ही लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है। एकदम सही पकड़ा है सर। ए, साउंड कम करो। रोक दो, रोक दो, जस्ट स्टॉप इट यार। ठीक है, लेकिन हम आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिल सकते। क्यों? मैं बिजी हूँ। किस काम में बिजी हो? मुझे घर जाना है, लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने। लड़के वाले? यस। ऐसे कैसे हो सकता है? देखना ही है तो हमें देखिए ना। शट अप, बाय। ये राधा नहीं, सत्यभामा है। इसका पागलपन जिंदगी भर कैसे सहूंगा। ए, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। दोबारा मत आना। रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर मेरी दोस्त है, प्लीज भेज दीजिए। यहाँ जो लोग खड़े हैं सबके दोस्त अंदर हैं, सबको भेज दूं क्या? सच में? इन लोगों से मेरी तुलना? थत तेरी की। वो रही मेरी रैबिट, राधा। मैडम, आप इन्हें जानती हैं क्या? अच्छी तरह जानती है। हाय। रिवेंज अच्छी तरह से ले रही है। चलिए 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 बाहर निकलिए, चलिए भाई। लेकिन बस हो गया नाटक। जा जाकर उसे बात करके आ। ओके। हे भगवान, अब तो गुस्सा कम हो गया। तीन बार मेरी खोई हुई चेन देने पर मैं खुश हो गई। इसलिए तुमने मुझे लाइटली ले लिया। वो देखो, उसे देख रहे हो? तीन साल से मेरे पीछे घूम रहा है। ऐसे तुम्हें घुमाया होता तब मेरी वैल्यू पता चलती तुम्हें। अब से तुम भी ऐसे ही वेट करो, ओके? गुड बाय। ए रैबिट, ए रैबिट। क्या प्रॉब्लम है तुम सबके? प्रॉब्लम ये है कि भाई, वो हमें पागल लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? आप उसके साथ रहने को कह रहे हो और वो हमसे टास्क मांग रहा है। टास्क? उसे कोई काम चाहिए भाई। अभी तक बच्चे के साथ खेल रहा था, उसके स्कूल जाने के बाद वो हमारे साथ खेल रहा है भाई। गेम स्टार्ट। हंस। गेम्स और एक्सरसाइज तक तो ठीक है भाई, वो तो भगवत गीता पढ़ने को भी कह रहा है हमें। गीता पढ़ने को कह रहा है? जब उसे बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो मारते हुए कहता है कि इसका सारांश भी पढ़ो। तुम्हारे प्रॉब्लम्स का कुछ नहीं कर सकता। हाँ? बस उसे किसी तरह संभाले रखो। ठीक है सर। सर ऑन ड्यूटी। सर क्या करना है बताइए। कहीं मेरे साथ ना खेलना शुरू कर दे। फिलहाल तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इनके साथ ही खेलते रहो। हाँ ओके सर, अच्छी तरह से खेल लूंगा। आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक बलदेवानंद सागर। जिस किसी ने मेरे बारे में कंप्लेंट दी है वो जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए, वरना मैं तुम सबको ट्रेनिंग दे दूंगा। अरे तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा भाई, मैंने तो आपके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा कहा। मेरी तारीफ की तूने? चल बैठ। बैठना। बैठ। बैठू क्या? हाँ लेकिन बहुत दर्द हो रहा है भाई। दर्द होने के लिए ऐसा किया है? ऐसे क्यों? एक घंटा ऐसे ही बैठा रहा। एक घंटा? नेताजी, उसकी ट्रेनिंग प्लेस पर आया हूँ। क्या पता चला वहाँ? अच्छा तो आपको मिल गया क्या? टास्क मांगा कि नहीं? अगर आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से ले ही लेगा। अब तो आपके हर दिन दिवाली है। उसके बारे में सब लोग कुछ और ही बता रहे हैं। तुम जाकर अपने वो। रुकिए भाई, हमारा एग्जाम है ना। एग्जाम? पेपर नंबर वन भगवत गीता, पेपर नंबर टू भागवत, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर विष्णु सहस्त्र नाम। वो हम सब के साथ आध्यात्मिक रूप से खेल रहा है। हे बलराम, रुको। अरे रुको। अरे अरे बलराम को पकड़ लो। अरे ओए, ये चीटिंग है बलराम। सॉरी सर। ए बलराम, चल अब मुझे पकड़, जल्दी आ। हाँ, रुको रुको, आ रहा हूँ।
कितना खुश है मेरा बेटा आज। हाँ जी, इस कृष्णा को एक और प्रमोशन देकर यही रख लीजिए। सर सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी सर। क्या हुआ? इनकम टैक्स वालों ने आपका जितना भी ब्लैक मनी था उस पे रेड डाल दी सर। क्या? मेरे इतने सालों की कमाई पर पानी फिर गया? सीएम बनने के लिए एमएलएस को खरीदने के लिए वो पैसे छुपाए थे, क्लीन इमेज बनाने के लिए अपने नाम पर मैंने कुछ नहीं रखा, सब कुछ गया सर। सर, रेड आईटी वालों ने नहीं की सर, किसी ने प्लान करके सारा पैसा चुरा लिया। क्या बोल रहा है तू? हेलो मामा, कैसे हो? पैसे चले गए इसलिए चिंता में हो? कौन है रे तू? मामा कहा ना, मैं भतीजा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पैसे मैंने ही चुराए हैं। ए, यू बास्ट! क्या 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 क्या, अब बेनामी नामों से पैसा छुपाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं सब जगह नजर रखता हूँ मामा। तो नहीं छोड़ूंगा। मामा, हम दोनों के बीच मस्त खेल शुरू हो गया है, सिर्फ एक ही गुंजाइश है, तू हारेगा और मैं जीतूंगा। मेरे मामा सुजाता, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ए, पता करो ये फोन कहां से आया, प्रेस करो, वो कौन है मुझे जानना है। खेलना हो गया सर, कल सुबह फर्स्ट आवर में आ जाऊंगा सर। जरूरत नहीं, जब तुम चाहो तब आ जाना, ना हो तो पुलिस स्टेशन में ही बैठे रहो। सर अगर कोई टेंशन है तो बताइए, मैं हूं ना, सॉल्व कर दूंगा। जाओ। ओके सर। कौन है रे वो? क्या है ये सब? मुझे मारने के लिए मेरे लेवल का होना जरूरी है। मैंने तेरी पोस्ट छीन ली, इसलिए गेम रिवर्स कर दिया तूने। पर कौन सा गेम? कौन सा गेम? सीएम बनने का वक्त है तो मैं मर्डर क्यों करूं? ये सोचकर अब तक रुका रहा, लेकिन अगर ये कंफर्म हो गया कि तू है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर आपको लगता है इसने किया होगा? इसने नहीं किया, इसकी आंखों में मुझे डर दिखा, लेकिन इसके अलावा और किसके पास होगा इतना बड़ा नेटवर्क? किस में हो सकता है इतना दम? सर आपने जो कुछ भी चाहा था वो मिल गया। खुद के स्वार्थ के लिए 12 पुलिस वालों को मार दिया और उन पर इल्जाम लगाया कि वो दारू पीकर ड्यूटी कर रहे थे। जिस सड़क पर अपने आदमियों को मारा है उसी सड़क पर उसे लाना होगा, उससे सच उगलवा कर अपने डिपार्टमेंट की इज्जत लौटानी होगी, यही हमारा टारगेट है। वो हमारा होने वाला सीएम है सर, उसकी शपथ लेने से पहले हम उसे मार डालेंगे सर। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अधर्म की तरफ रहने वाले कौरवों को मारना कृष्ण के लिए एक मिनट का काम था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्रिया विधि के साथ मारा और धर्म को जिताया। ऐसा हाल करेंगे कि आगे से कोई किसी पुलिस वाले को टच करने की सोचेगा भी तो उसकी पैंट गिली हो जानी चाहिए। जो मर गए उन्हें वापस तो नहीं ला सकते। ये पैसे सुजाता की वजह से बर्बाद होने वाले परिवारों में बांट दो। ये पैसा जिस किसी ने भी दिया है वो हमारे लिए भगवान के समान है।
फिंगरप्रिंट्स ले लो। नमस्ते सर। इसने फिर क्या किया है? वही जो हमेशा करता है, चोरियां की हैं इसने। क्यों रे, तू बदलेगा नहीं? सर बैग उठाने में तकलीफ हो रही थी तो तरस खा के हेल्प की थी सर। ओए नौटंकी, झूठ मत बोल। सर अगर आप मुझे एक चांस दें तो इसके साथ इंडोर गेम खेलूंगा। जाओ खेल लो। सर 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 सर, आपके हाथ जोड़ता हूँ, सुधरने के लिए एक चांस दीजिए सर। तू कोई शिशुपाल है क्या जो तुझे बार बार चांस देते रहे? सर सर। तुझे खाना बनाना आता है? सर उसमें तो मैं एक नंबर का माहिर हूँ सर। चल ठीक है, मान लिया खाना बना लेता है, लेकिन तुझे डोसा बनाने आता है? आग लगा दूंगा सर। इस पर के सारे केस रद्द करके इसके लिए अपने स्टेशन के बाहर एक होटल खोल लो, खुशी से अपने परिवार के साथ यहीं पर रह लेगा। लेकिन ये तो अपने रूल के खिलाफ है सर। भैया कुएं में भी पानी होता है, नागार्जुन सागर में भी पानी होता है, फिल्टर करके हम पी रहे हैं ना, ये भी वैसा ही है, इसके बुरे गुणों को हम फिल्टर कर देंगे। रिबन कट करिए सर। बचपन से रिबन कट करने का सपना था, इतने दिनों बाद साकार हुआ। गॉड इज ग्रेट। ताली ताली, ताली। एक डोसा दो चाचा। अभी देता हूँ सर। बना बना जल्दी बना। सर आप हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते हैं, कैसे सर? हाथी के पैरों के निशान में सारे जीवों के पैरों के निशान आ सकते हैं भैया। हाँ? मैं भी ऐसा ही हूँ, वो आदेश देते हैं मैं पूरा करता जाता हूँ। अच्छा सर, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया। हेलो, हे, हम तेरे घर पर हैं, जल्दी से आ जा। ये क्या पापा, आप बिना बताए आ गए? हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो बता कर आएंगे, अपनी ये बकवास बंद कर और घर पे आ जा। मम्मी पापा आए हैं। बोलो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब मम्मी और पापा आए हुए हैं, हम दोनों मिलकर अगर बात कर लें तो काम हो जाएगा। क्या बात करनी है? खमंडी। ठीक है चलो अंदर, हाँ बोलकर चली जाऊंगी। वो नहीं सुन रहे हैं माँ। ये देखो भैया आ गए। अरे मेरा बेटा आ गया, कितने दिनों के बाद आया है। फिर से शुरू हो गई तेरी नौटंकी। अब चुप भी कीजिए ना। माँ राधा है ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। वो मेरी बहन ज्योति है, पति से झगड़ा करना, रूठ कर घर आ जाना उसकी आदत सी है। हाँ चुप कर, जा रहे तूने। राधा कितना सुंदर नाम है, मेरे बेटे का नाम भी राधा कृष्ण है। नाम में भी राधा और बगल में भी राधा। यहाँ रुक्मिणी भी है। रुक्मिणी भी आई है? हाँ वो भी आई है, तुम लोग बात करो मैं भी आती हूँ। ए रुको रुको, कृष्णा तुम कितने पतले हो गए हो, ठीक से खाना नहीं खाते क्या? ये लड़की कौन है? रुकू वही रुक्मिणी। हाय हाय। सो तुम दोनों फ्रेंड्स हो? अभी तक वो क्लियर नहीं है। आओ कृष्णा बैठकर बात करते हैं, तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। तो बताओ कृष्णा काम कैसे चल रहा है? पता है ना रुकू, चोरों को पकड़ना ही तो मेरा। तुम खुद ही एक चोर हो, तुमने सबका दिल चुराया है। वही किस्मत है। तुम्हारे पति क्या करते हैं? हे रुकू की तो अभी तक शादी नहीं हुई शायद। तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों है? बहुत सारे रिश्ते आए हैं पर मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा। अगर सब कुछ सही चला तो मेरा पति भी पुलिस वाला होता है ना कृष्णा? नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है कृष्णा बहुत बदमाशी करता था, एक बार इसने मुझे सताने के लिए मेरी चेन चुरा ली थी और फिर 3 बार रुला कर लौट आई थी। ऐसी ही हरकतें तो लड़कियों को पसंद आती हैं। तो ये चेन की स्कीम यहाँ की है? सक्सेसफुल फॉर्मूला था ना, इसलिए रिपीट कर दिया। बातों से याद आ गया कृष्णा। बता दो क्या? क्या? मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही है। क्या किया था? बहुत कुछ किया है, क्या याद रहेगा, मुझे नहीं पता।
इतने भोले भी मत बनो, तुमने जरूर कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया कृष्णा। हाँ। अब जाओ, बुला रही है। ए। कोई फायदा नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पापा, ये कैसा सिरदर्द है? पकड़ा है तो छोड़ ही नहीं रहा है। क्या हुआ? रात में मैं और रुकु दोनों आइसक्रीम खाने गए थे, तब से ये सर्दी बुखार। नई आदतें डालोगे तो ऐसा ही होगा। दवाई ले सकते हो ना? वैसे तो बहुत ले लिए, फिर भी कम नहीं हो रहा। डोंट वरी, ये तुलसी के पत्तों की चाय पी लो, दर्द तुरंत चला जाएगा। सच में? रुको, इसे भी अभी आना था। हे, इट्स गॉन। इतनी सारी दवाइयों से जो कम नहीं हुआ, तुलसी की पत्तियों से कम हो गया? तुलसी की पत्तियों को ऐसी वैसी चीज मत समझो बेटी। तराजू में कृष्ण को तौलने के लिए सारा का सारा धन डाल दिया, तब भी बराबर नहीं हुआ। रुक्मिणी ने आकर दो तुलसी के पत्ते डाले तो बराबर हो गया। hey. और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अंकल, यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। कोई फायदा नहीं है, इसे अपनी रेंज दिखानी ही पड़ेगी। इस घर में मेरी हैसियत क्या है पता है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, क्या है तुम्हारी हैसियत? उठो। और 10 पॉइंट बढ़ गए तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बीपी की टैबलेट लीजिए सर। मेरा बीपी कम करने के लिए टैबलेट्स नहीं, फोन करने वाले का पता जरूरी है। सर, उस फोन कॉल को ट्रेस किया है, सोमालिया से आया था। सोमालिया से? सोमालिया में कौन है यार? साइबर क्राइम वालों को बताते हैं, एक मिनट में पकड़ लेंगे। क्या कहेंगे उन्हें? सही कह रहे, कुछ भी कहेंगे तो पकड़े जाएंगे। सर, दिल्ली से फोन है सर। सर नमस्कार सर। कांग्रेचुलेशन सुजाता भाई, हाई कमांड ने आपका नाम सीएम के लिए फाइनल कर दिया है। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जो हमने चाहा था वो मिल गया, मैं होने वाला सीएम हूँ। ये सुजाता होने वाला सीएम है। बाहर गेट के सामने कोई झगड़ा कर रहा है भाई। ए, तो मुझे क्यों बता रहे हो? मार कर भगा दो उसे। आपके बेटे को हम कैसे मार सकते हैं भाई? मेरा बेटा? मैं आपका अभिराम हूँ पापा। पापा? हाँ पापा। मैं तेरा पापा हूँ। पापा जिसे मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ। मेरी पर्सनल थ्योरी के अनुसार इस दुनिया में जो मोमेंट एक जगह हो रहा है, वही मोमेंट दूसरी जगह भी हो रहा है। आपने कई सालों पहले जो बीज डाला था, आज वो पौधे से बढ़कर इतना बड़ा पेड़ बन गया है पापा। एवरीथिंग इज इंटरलॉक्ड। अगर और एक बार पापा कहा ना तो मार दूंगा। मार दीजिए पापा, मार दीजिए। 32 सालों से पापा नाम के इमोशन को ढो रहा हूँ मैं। रात को सोता था तो सिर्फ पापा के सपने आते थे। जिंदगी में सब कुछ पापा के लिए किया, इतनी मुश्किल से आज आप मुझे मिले हैं, मैं कितना खुश हूँ। अगर चला गया तो दोबारा वापस नहीं आऊंगा। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए पापा। ये क्या कह रहे हैं? दीदी? नहीं मम्मी। सच में ये कौन है मुझे नहीं पता जानू। मेरे पैदा होने का भी इंतजार नहीं किया, मेरी माँ को छोड़कर चले आए। मुझे कैसे पहचानेंगे पापा? इसे निकालो यहाँ से। पापा, यहाँ धरना करने के लिए पुलिस ने परमिशन दिया मुझे। अगर इस जगह पे मुझे कुछ हो गया तो वजह आप होंगे, ऐसी पुलिस में रिपोर्ट देकर आया हूँ। मुझसे क्या चाहिए बता तो। आपका नाम पापा? hey, तुझे सच में मार दूंगा। प्राइवेटली जन्म दिया, पब्लिक में मारने की धमकी दे रहे हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग, सुबह सुबह आप लोग की आंखों के सामने एक आदमी के साथ कितना अन्याय हो रहा है। पापा मुझे अपना बेटा स्वीकार कर लीजिए पापा। सर सब लोग देख रहे हैं, पब्लिक में ये सब करना सही नहीं है, दो दिन रह के खुद ही निकल जाएगा। मम्मी मेरे ऊपर दया करो, बहुत भूखा हूँ। दो ब्राउन ब्रेड मक्खन के साथ मिलेगा? पापा, आपको ढूंढने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आपके बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। पापा 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 पापा। तो क्या करेगा मुझे नहीं पता, ये न्यूज पूरे राष्ट्र में फैल जानी चाहिए। अभी जाके प्रेस मीट बुलाता हूँ। क्या मंत्री सुजाता आपके पिताजी हैं? जवाब देने के लिए टेंट लगाया है। मतलब आप उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं? नंबर मुझे पता नहीं है, वो वही बता सकते हैं।
सडनली आप कह रहे हैं वो आपके पिता है, इतने साल आपको पता नहीं था? आपको एक बात पता है, दुनिया में चार प्रकार के बीज होते हैं, मूर्ख बीज, समझदार बीज, ज्यादा समझदार बीज, उससे भी समझदार बीज। मैं पहले प्रकार का बीज हूँ जिसे मूर्ख बीज कहते हैं, इसीलिए पापा नाम के पेड़ को पकड़ने के लिए मुझे इतने साल लग गए। क्या आप लोग मानते हैं अभिराम सुजाता का बेटा है? अगर मानते हैं तो यस, नहीं तो नो टाइप करके 56270 पर SMS कीजिए। 1% आपके अलावा सभी को लगता है कि वो आपका बेटा है, ऊपर से उसे अनाथों के यूनियन के प्रेसिडेंट का सपोर्ट भी मिल गया है। ये अनाथों का यूनियन क्या है? सर, CM का फोन है सर। नमस्कार सर। ये बेटे की क्या प्रॉब्लम है? वो पार्टी का नाम खराब हो रहा है, मुझे हाई कमान से कॉल्स पर कॉल्स आ रहे हैं। वो मेरा बेटा नहीं है सर, मैं मैनेज करता हूँ। जो करना है जल्दी करो, वरना तुम्हें कोई मंत्री पद भी नहीं मिलने वाला बाद में। ओके सर, आप मेरा भरोसा। वो मेरा बेटा नहीं है, ये मुझे प्रूफ करना होगा। इसके लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं सर? DNA टेस्ट करवा लीजिए, सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। मैं उनका बेटा हूँ ये बात भगवान ने भी मान ली है, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। पापा इस कमी रिलैक्स, वो जो कह रहा है झूठ है, ये प्रूफ कर दूंगा। DNA टेस्ट से सच बाहर आ ही जाएगा। वो तो मैं पैदा होते ही तैयार था, मेरे पापा का ही खून है, जितना चाहिए काट काट कर लीटर का लीटर ले चलो, मैं तैयार हूँ, चलो। आपके सगे बेटे से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इसमें। तुझ में इतनी ही पापा, मेरे पास माँ है। पालापुर की पार्वती। पालापुर की पार्वती, चलिए पापा DNA टेस्ट करवाते हैं। चलते हैं। मुझे किसका डर है? कल सुबह चलते हैं। पापा हार्ट अटैक आ गया ना, मुझे पता था। मुझे किसी का डर नहीं, सच में। तू कहाँ से मिल गया? पेपरमेंट आइडिया और तुम, ये सब क्या है जी? कुछ नहीं है जी, चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब है। जानू, इन सब पर ध्यान मत दो, 15 साल मंदिर में घूमने पर उसका जन्म हुआ है जी। सुजाता, 15 दिन पालापुर में घूमने के बाद उसका जन्म हुआ। ए, नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा। ए, उतरने के लिए कह रहा ना, चल उतर। पापा। He's a doctor, DNA. Hi everyone. I am Dr. DNA, Damodar Narsingh Akula. DNA. उसे चेंज करना है डॉक्टर। नहीं कर सकते सर, दादा ने मेरे पापा को दिया, पापा ने मुझे दिया। क्या दिया? DNA दामोदर नरसिंह आकुला। DNA रिपोर्ट चेंज करनी है डॉक्टर। सर, आप कहीं से वोट मांग सकते हैं, लेकिन आप वोट कर नहीं सकते। ठीक इसी तरह डालने पर ऐसे ही बैलेट बॉक्सेस से वोट बाहर आते हैं। डैडी, मुझे बाहर के भैया पसंद आए, मैं जाकर उस भैया के साथ खेलता हूँ। आदर्श परिवार, बड़े वाले में या छोटे वाले में काफी गैप दिया है आपने। मुंह बंद रखो और जो करने आए हो वो करो, रिपोर्ट चेंज करो। आपके हाथ में रख दूंगा सर। क्या? रिपोर्ट। मुझ पर शक किया था ना, सच क्या है ये TV वाले बताएंगे, देख लो। ए, सर, रिपोर्ट के आते ही उसका टेंट हटवा दो। ठीक है सर। DNA रिपोर्ट्स आ गई हैं। दोनों के DNA मैच होने की वजह से साबित हो गया है कि अभिराम सुजाता का ही बेटा है। अब आप उनकी जायदाद में से हिस्सा मांगेंगे? जायदाद वगैरह लेकर के मैं क्या करूंगा, वही मेरे पिता हैं, जनता को पता चल गया, यही बहुत है। ये DNA रिपोर्ट्स पापा को समर्पित है। कहाँ है वो डॉक्टर? सिग्नल राजा, तुमने ही तो रिपोर्ट चेंज करने के लिए कहा था। रिपोर्ट तो पूरी तरह नेगेटिव थी, लेकिन तुमने ही तो उसे पॉजिटिव करवाया था। मतलब वो मेरा बेटा नहीं? नहीं, वो किसी और का बेटा है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद पार्टी की इमेज को ध्यान में रखकर सुजाता जी को CM की रेस से बाहर कर दिया गया है, ऐसी घोषणा की गई है। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया।
सब खत्म हो गया। सर फोन। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ मामू, सीएम बनोगे? सीएम क्या, पार्टी का कार्यकर्ता भी बनने नहीं दूंगा। सोच रहे हो सडनली बेटा कहां से आ गया? उसे सेट करने वाला मैं ही हूं। तुम्हारा नाम खराब किया, तुम्हारा पैसा चुराया, मेरे अगले कदम से तुम जीरो बन जाओगे। सुजाता। वो जो कोई भी है बहुत चालाक है, आपके 30 साल का सपना उसने 3 दिन में खत्म कर दिया। किसी पॉलिटिशियन के लिए उसकी ताकत, पैसा और उसका पद है, आज तुमने उसे कमजोर कर दिया। अब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, उसके मुंह से ही जनता में सच बुलवाना है। वो क्रिमिनल है ये प्रूफ करना होगा, उसके लिए उसके कराए हुए बमब्लास्ट के साथ उसके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाले चोरों को भी पकड़ना होगा। वो कौन है सुजाता के अलावा किसी को नहीं पता, कैसे पकड़ेंगे उन्हें? मिनिस्टर सुजाता पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य 4 आरोपी शहर में फिर से दाखिल हो गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसी अनजान व्यक्ति ने दी है और पुलिस उस बात की छानबीन कर रही है। ये लोग क्यों आए हैं? पता नहीं सर। ये लोग पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। क्या हुआ सर? सबको यही पता है कि ब्लास्ट वाले दिन मुझे मारने के लिए 3 क्रिमिनल्स आए थे, उस टीम में चौथा इंसान है। ये बात मेरे और अमित के अलावा किसी को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं। चौथा वाला कभी नहीं दिखता, वो सिर्फ मेरे प्लान्स एग्जीक्यूट करता है। उस दिन फैक्ट्री में सिर्फ मैं और अमित थे, वो एसआई राधाकृष्ण था। अमित मर गया, मेरे आदमी को उस एसआई ने मार दिया, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मतलब उसे साई ने सब कुछ सुना था। नेताजी उसके गांव आया हूँ। वहाँ भी वो जोकर गिरी कर रहा है क्या? नहीं नेताजी, उसने हम लोगों को जोकर बनाया है, उसके बारे में जानकर दिमाग खराब हो गया है। जिसके कान खराब होते हैं वो लोग मशीन लगाते हैं ना, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा सुनाई देता है नेताजी। उन्हीं साउंड्स को कंट्रोल करने के लिए वो कान में कैप्स लगाता है, कैप्स लगाकर भी वो सब कुछ क्लियर सुनता है। A for apple, A for apple, B for ball, B for ball, C for cat, C for cat। राधा कृष्णा तू हंस क्यों रहा है? बाजू की क्लास में एक लड़की जोक सुना रही थी तो वो सुनकर हंसी आ गई मैडम। वहाँ की बातें तुम्हें यहाँ सुनाई दे रही है? मुझे ऊपर की क्लास की बातें भी सुनाई दे रही है मैडम। ये आंसर क्या है देखना। करोड़ों में कोई एक ऐसा बच्चा पैदा होता है नेताजी, और ये उसी में से एक है नेताजी। हम उसके बारे में जानने के लिए गली गली घूम रहे हैं और वो आपके घर में बैठकर ही आपके बारे में सब कुछ जान रहा है। हम सबकी नजर में वो बच्चे के साथ खेल रहा था, लेकिन दरअसल वो मेरे साथ खेल रहा था। कहाँ है वो? वो लड़की होश में आ गई है, अपने पति से मिलना चाहती है। वो नहीं आए भैया मुझसे मिलने, ड्यूटी पर है क्या? अंकल अबू कहाँ है? अबू को देखना है। अबूजान है ना? अबूजान है, कैम गए हैं, आ जाएंगे। क्यों चाचा? हाँ बेटा आ जाएंगे, आ जाएंगे। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर चले। भैया आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपके आंसू सच कह रहे हैं। उन्हें क्या हुआ है भैया? वो
अभी मैं जिस स्थिति में हूँ वो कहीं भी हो आ जाते, नहीं आए मतलब समझ आ गया कि वो नहीं है। डरिए मत, मैं जीऊंगी भैया, मेरी बेटी के लिए जीऊंगी। चिंता की कोई बात नहीं, बच्चे खतरे से बाहर हैं। क्या हुआ यहाँ? छोटा एक्सीडेंट हुआ है सर। वो बच्ची रहीम की बेटी है ना? फातिमा बेगम ठीक हो गई? हे, मुझे देखकर सल्यूट क्यों नहीं किया? मॉर्निंग सर। ऐसे नहीं, तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई? मैं करूँ तुम्हारी तरह? गुड मॉर्निंग सर, आई एम रिपोर्टिंग सर, आई एम ऑन ड्यूटी सर। सोचा कि एक बेवकूफ मिल गया है तो उसके साथ थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। तुझे दोनों क्या लीला दिखाई तूने? कृष्ण को भी पीछे छोड़ दिया, अपने कानों में कैप्स लगाकर मेरे कानों में बांसुरी बजाते रहे। बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले उन चारों की फेक न्यूज रिलीज करके बहुत अच्छा काम किया, सावधान हो गया और उन चारों को मैंने ऊपर भेज दिया। अब मेरे पास कोई वीकनेस नहीं है। उस लॉरी ड्राइवर को मैंने मारने के लिए कहा था, जस्ट मिस कर दिया। लाइफ में जिस किसी भी चीज से तू इमोशनली कनेक्टेड है ना, उसे छीन लूंगा, पर पहले तेरे प्राण लूंगा। वही तुम्हारी यूनिफॉर्म, वो तो जरूर छीनूंगा। हाँ, यही रिएक्शन चाहिए। ये तेरा सस्पेंशन लेटर, बाद में तेरा परिवार, उसके बाद तेरा लव। एक एक करके, एक एक करके जाएंगे। तुझे संभलने का वक्त भी नहीं दूंगा, तू बस हमेशा भागता रहेगा। राधा कृष्ण। एक पॉलिटिशियन ने पुलिस वाले के हाथ में सस्पेंशन लेटर दिया है। तुम्हें बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। सही कहा सर, बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो लोग हमसे पंगा ले सकते हैं ना, खुद के स्वार्थ के लिए पुलिस वालों को मार भी सकते हैं वो लोग। वो सही है ना सर?
कृष्णा तुम्हारे उल्टे सीधे फैसलों से अपने डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है। अपने डिपार्टमेंट की वैल्यू है कहां सर? हर गवर्नमेंट ऑफिसर दिन में 8 घंटे ही काम करता है, हम 24 घंटे काम करते हैं। राउंड द क्लॉक खुला रहने वाला इकलौता गवर्नमेंट ऑफिस हमारा पुलिस स्टेशन है, फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जब सारे लोग त्यौहार मनाते हैं तो हम त्यौहार छोड़कर उनकी रखवाली करने में लग जाते हैं। क्यों, हमारे परिवार नहीं है सर? उनकी वैल्यू किसी को पता है सर? पुलिस एक नौकरी नहीं है, जिम्मेदारी है। वैसे भी बाहर के लोग हमारी इज्जत करना तो दूर, हमने खुद की इज्जत करनी छोड़ दी है। 12 पुलिस वालों के मरने पर हमने उनके लिए क्या किया है सर? पत्नी मौत के मुंह में थी तो भी आकर ड्यूटी की उस रहीम ने। उनकी बेटी आकर पूछ रही है कि उसके पापा कहां हैं। जवाब कौन देगा सर? अब ये आप ही बताइए सर, तुम्हारे पापा पीकर मर गए ऐसा उसे बोल देंगे सर? अच्छा रहेगा ना, एक कौवे के मरने पर भी 100 कौवे जमा हो जाते हैं, लेकिन खाकी वर्दी वाले पे अन्याय होने पर हम में से कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है सर? इसलिए यह आवाज उठाई है, मुझे सिंसियरली काम करने के लिए ही यह नौकरी दी गई है, लेकिन उसी सिंसियरिटी के कारण यह नौकरी चली जाएगी ये नहीं सोचा था। मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूं, लेकिन सुजाता को अरेस्ट करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए हमें। सबूत है सर, थोड़ी देर में आपके पास होंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, अगर किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट से पंगा लिया तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उसका क्या हाल किया ये बात न्यूज में नहीं आनी चाहिए। बस इतना कीजिए सर, दैट्स माय रिक्वेस्ट। चलता हूं सर। राधा कृष्णा, क्या हुआ, सारे पुलिस वाले क्यों चले गए? आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ऐसा डीजीपी ने कहा है सर, इसीलिए पुलिस वाले जा रहे हैं। सर, आपके बारे में जनता को सच पता चल गया है। मंत्री सुजाता के सारे काले चिट्ठे खुल गए, उनके और उनके 4 आदमियों के बारे में पुलिस वालों ने मीडिया को बताया है। तब से लेकर आज तक सुजाता ने जितने भी कांड किए हैं हम सब उसमें शामिल थे, और पार्टी मीटिंग में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें भी हम सब का हाथ था। इन सबको तो मार दिया था ना? अभी कुछ दिनों पहले एमएलए को मारने का प्लान भी सुजाता ने ही बनाया था। 2001 के इलेक्शन में 13 लोगों को मरवाया था। 2006 में मंत्री केशव राव की हत्या मुझसे ही करवाई थी। मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं को मारना चाहता था, वो हमें भी मारना चाहता। चलो सब लोग। हाँ, चलो। चलो। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? गुस्से में है राष्ट्र की जनता, पीड़ितों के परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुजाता के ऑफिस और घर को घेर लिया है, और जनता को संभालना अब मुश्किल हो रहा है। सर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने पर वो आपको नहीं छोड़ेंगे, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके खिलाफ है, जनता आपको पक्का मार देगी सर, सीएम भी आपकी कोई मदद नहीं करने वाले। अगर मैं भी यहाँ रहा तो मैं भी मर जाऊंगा सर, मैं चलता हूँ। आओ भाई, हमें भी कुछ काम है तो हम लोग चलते हैं, ठीक है? चलो रे। मैं मंत्री सुजाता बोल रहा हूँ, मेरी जान इस समय खतरे में है, प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। अरे रे 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 रे, तुझे अब तक 100 नंबर याद है? अपनी जान बचाने की तू भीख मांग रहा है, इससे मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। पूछ। वो 4 लोग तो मर गए थे, उनसे सबूत कैसे इकट्ठा किया तूने? वो लोग नहीं मरे थे, बल्कि वो मरे जिन्हें तूने मारने भेजा था। उन 4ों को लाकर सबूत रेडी करने से पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, सही समय का वेट कर रहा था। तेरे सारे ऑप्शंस क्लोज्ड, सुजाता। तुझे चाहिए क्या? रेस्पेक्ट, डिपार्टमेंट की रेस्पेक्ट। जहां पुलिस वालों को मारा है वही खड़े होकर गलती मान ले, तभी पुलिस वाला एफआईआर लिखकर ड्यूटी करेगा।
से कम पानी तो दो। वाटर, वाटर, पानी प्लीज दो। पानी। ये और इसकी ओवर एक्टिंग। एक्टिंग बहुत अच्छी करता है सर। ये नहीं बदलेगा, इसको प्रोटेक्शन भी मत दो। चले यहाँ से। तू मत जा, अगर तू चला गया तो जनता मुझे मार देगी। गलती की है, अपने पद के लिए पुलिस वालों को मार दिया, उनका नाम जनता में खराब कर दिया। गलती मान रहा हूँ, गलती मान रहा हूँ। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर तुम लोग गए तो ये मुझे मार देगा, अगर तुम लोग गए तो ये सब मुझे मार देंगे। तुम लोग यहीं रहो, तुम लोग यहीं रहो, कहीं मत जाओ। तुम लोग मना कर दो प्लीज। अब जान की कीमत पता चली तुझे? एक की जान जाने पर कौन आता है पता नहीं, लेकिन 100 डायल करने पर पुलिस वाला जरूर आता है। ऐसे पुलिस वाले को मार कर खेल खेलता है तू? हाँ, अभी उसी पुलिस वाले के पैर पकड़ लिए, अरे तुझे उसी दिन मार देता। लेकिन ऐसा करने पर तेरे जैसा कोई और आ जाता। ऐसा ना हो इसलिए तुझे सड़क पर लेकर आया हूं और तेरे मुंह से सच उगलवाया। ऐसा करने से फिर कभी कोई गलती नहीं करेगा? नहीं करेगा। कुछ लोग तेरी ये हालत देखकर डरेंगे, कुछ लोग ये सुनकर डरेंगे। अगर कोई और बचा होगा तो हमें देखकर डर जाएगा। हे, नहीं, मुझे मारो मत। कृष्णा कभी मारते नहीं है, स्केच बनाते हैं। अब इससे बात क्या कर रहे हो? मार दो इसे! मार दो इसे! अब उसको क्या होगा सर? उसे मैंने दो ऑप्शंस दिए थे। पहला, पुलिस का भरोसा करके बच जाना। दूसरा, जनता के हाथों मर जाना। अब उसने दूसरा सिलेक्ट किया तो वो उसके कर्मों का फल है। कृष्ण तो धर्मराज के पासा खोलने से पहले भी बाजू में थे और खेलने के बाद भी बाजू में थे। खेलना है या नहीं ये बोलकर पूछ लेते तो युद्ध ही नहीं होता। कृष्ण हमेशा बाजू में ही होते हैं, हम ही नहीं देखते। उसे सजा भुगतनी होगी, धर्म की जीत होनी चाहिए। जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा ना, रुको। यहाँ किसी को मेरी चेन मिली क्या? मुझे कुछ नहीं पता। कृष्णा फिर से शुरू कर दिया। मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे तो भेज सकती हो, लेकिन उन गोपियों से इस कृष्णा को कैसे दूर रखोगे? हाय हाय। ची ची ची, मच्छर 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 है, मच्छर। क्या है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, पति नहीं है, सबको मेरा कृष्णा ही चाहिए। That's enough now. अब दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। आओ ना, दिखा दो। मैं नहीं देख सकती, बाय। आओ ना, आओ अपनी हैसियत जल्दी दिखा दो। अरे पगली, वो सारी तो मेरी भक्त हैं। मेरे दिल में तो हमेशा तुम ही रहोगी ना। सच कह रहे हो? भक्त जो भी दे स्वीकार करना चाहिए।